में आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत। गढ़वा पुलिस ने भाकपा माओवादी संगठन से जुड़े सुशील कुमार और दशरथ राम नामक दो लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से एक देसी कट्टा, चार जिंदा कारतूस, दो बंदूक और 12 बोर के 40 कारतूस बरामद किए गए। इसके अलावा एक बाइक, 14,000 रुपए के साथ कई सामान भी इनके पास मिले हैं। एसपी अंजनी कुमार झा ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी वर्तमान में भारतीय पब्लिक कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से एक अपराधी संगठन बनाकर घटना को अंजाम दे रहे थे। वहीं सुशील कुमार लातेहार के कटिया जंगल के चर्चित कांड, पुलिस के पेट में बम ब्लास्ट किए जाने में भी शामिल रह चुका है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये न्यूजीलैंड भारत पर। ये वो दोनों आरोपी हैं जिनका माओवादी संगठन के साथ संबंध रहा है और ये अब एक अलग से संगठन बनाकर नक्सली गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। और इनमें से जो एक नक्सली है, एक अपराधी है, उसका संबंध पुलिस के पेट में बम ब्लास्ट करने के मामले में भी सामने आ चुका है और वो वांछित था, फरार चल रहा था। नाम का जो अपराधकर्मी है उसको गिरफ्तार किया गया और साथ में दशरथ राम को गिरफ्तार किया गया। दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई और उनके बॉडी के सर्च और घर के सर्च करने पर वहाँ पर काफ़ी हथियार और कारतूस ही बरामद हुए। दो 12 बोर का गन बरामद हुआ और उसके साथ एक देसी कट्टा बरामद हुआ, कई कारतूस बरामद हुए, एक मशीन भी बरामद हुआ, जिससे कि ऐसी संभावना व्यक्त की जा सकती है कि इनके द्वारा हथियार का बनाने के बारे में भी प्रयास किया जा रहा था। और सुशील राम जो है उसका काफ़ी लंबा हिस्ट्री है। वो अपराध जो हमने बताया कि पर्टिकुलर जो केस पार्टी उसने बनाया था, उससे पहले करीब 12-13 साल वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के साथ वो रहा है। कई बड़े कांड जिसमें कि आपने सुना होगा कि काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट एक हुआ था माओइस्ट के द्वारा, हमारे ही पुलिस जवान के पेट में बॉम्ब प्लांट किया गया था जो कटिया में हुआ था। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।